अब जो नए वायदे हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे जजपा के हैं, ये मान के चलो अगर मैं किसी से कोई वायदा करता हूँ, लोग मुझे वोट देख करके चुन करके भेजते हैं, अगर मैं उस वायदे को पूरा नहीं करता तो फिर लोग हिसाब मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। मुझे एक ये बड़ा एक बोल बताया जा रहा है कि नेचुरल अलायंस है, इससे ज़्यादा नेचुरल और क्या होगा, पप्पू और गप्पू का अलायंस हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। मुख्यमंत्री तो झूठ बोलने में कहीं कसर नहीं छोड़ता, पोटली बांध के रखता है, जहाँ जितनी जरूरत होती है निकाल के फेंक देता है। अरे मुख्यमंत्री स्वयं जो है, पप्पू किसको कहता था आपको पता है, अजय चौटाला जी आपसे मिलने गए थे, कहा था कि एक एक हो जाएं कोई बात है। मुझे तो आप भी रोज मिलते हो, अजय चौटाला से पूछ लियो ये बात, भी तू मिलने गया था, तैने कभी परिवार की बात करी है? अजय चौटाला कोई आज झूठ थोड़े ही बोलने लगे, आप मेरे सामने बुलाओ उसको, जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर कि ये कहता है कि मैं तो परिवार को एक करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने ले आओ, मैं और वो दोनों बैठ जाते हैं, और उसके बाद आपको भी रोज ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अजय सिंह चौटाला ये कहे कि मैं परिवार को एक करना चाहता हूँ और मैं इस परिवार को एक करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहता हूँ, तो सामने आए पीठ के पीछे से क्यों करता फिर रहा है? फिर तो जो जिन लोगों ने अपने बाप की दादा की बात नहीं मानी, जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल की जो रिक्वेस्ट थी उसको अनदेखा किया, जिन्होंने जो खाप पंचायत के लोगों ने प्रयास किए, उनके सामने अजय सिंह चौटाला कस्में खा करके गया था, जेल चला गया। अजय सिंह चौटाला बताए सर वो कस्में गई कहाँ उसकी? तुम रोज ये सवाल पूछने की बजाय उसको यहीं बुला लो मेरे सामने, ताकि मेरा ही पेंडा छूट जाए, थारा भी छूट जाए। अब तो जीते इसको क्या मानते हैं, मतलब पार्टी का उदय हुआ या फिर आपकी पार्टी को नुकसान करने का इस पार्टी ने काम किया? जिस पार्टी को आप बढ़ावा दे रहे हो, हमारे लोग उसको अपशगुन मानते हैं। धन्यवाद आपका।